अंडे शाकाहारी है ये बापूजी का कहना है, अंडे खाओ नरम या अंडे खाओ। कुछ साल पहले जारी हुई ये एड चर्चा का काफी बड़ा विषय बन गई थी कि महात्मा गांधी जी ने कभी कुछ ऐसा कहा भी था या नहीं, लेकिन असल में चर्चा का विषय तो कुछ और ही है। नेचुरली एक मुर्गी साल में सिर्फ 10 से 15 ही अंडे दे सकती है, लेकिन कोई भी मुर्गियों का प्राकृतिक रूप से अंडे देने का इंतजार नहीं करता, इसीलिए बारी बारी कृत्रिम तरीके से उन्हें प्रेग्नेंट और ब्रीडिंग करके हम उनसे सालाना 200 से 300 अंडे लेते हैं, यानी कि उनके नेचुरल कैपेसिटी से लगभग 30 गुना ज्यादा। लेकिन ये मुर्गियाँ आई कहाँ से? जाहिर है मुर्गी अंडे से आई, लेकिन अंडे से निकला हुआ चूजा मुर्गा भी हो सकता है और मुर्गी भी। अगर चूजा मुर्गा निकला तो डेयरी की ही तरह पोल्ट्रीज के लिए भी कोई भी नर प्रॉफिटेबल नहीं होता, तो इन्हें क्रश करके पानी में डुबो के या ऐसे ही किसी बेरहम तरीके से मार दिया जाता है। और अगर चूजा मादा है तो अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी इन पोल्ट्री फार्म से गुजारनी पड़ेगी जहां उनसे रोजाना अंडे लिए जाएंगे। पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को छोटे छोटे दड़बों में रखा जाता है जहाँ पे वो अपने पंख तो फैलाना दूर की बात, ठीक से हिल भी नहीं पाती। ये दड़बे लोहे के तार से बने हुए होते हैं जिसमें उनके पैर भी उलझ जाते हैं और कई बार उन्हें पूरी जिंदगी एक ही जगह खड़े होकर निकालनी पड़ती है। अक्सर ऐसे तनाव में मुर्गियाँ एक दूसरे को चोंच मारती है, लेकिन इसे रोकने के लिए बचपन में ही इनके चोंच निर्दयी तरीकों से काटे जाते हैं। इससे इन्हें खाने में भी दिक्कत होती है और भूख से उनकी मौत हो जाती है। और इस सब के बाद भी यदि कुछ मुर्गियां बच जाती हैं, तो इतने भीड़ भाड़ में कईयों के पंख टूट जाते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, हड्डियों से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं, कई सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, और ऐसे तनाव भरे माहौल में कई मुर्गियां अपना दम तोड़ देती हैं। पर इन मरी हुई मुर्गियों में भी इंडस्ट्रीज को प्रॉफिट दिखना बंद नहीं होता और उन्हें तरह तरह के एनिमल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए बेच दिया जाता है। जहां हर साल हम अक्टूबर के दूसरे शुक्रवार पर वर्ल्ड एग डे मनाते हैं, वहीं पे प्रतिदिन 5 लाख से भी ज्यादा चूजे अपनी माँ को बिना देखे दम तोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां लोग इन सवालों में उलझे हुए हैं कि अंडा पोल्ट्री का ज्यादा अच्छा है या देसी, या अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी, तो दूसरी तरफ करोड़ों मुर्गियां अपनी जाने खुद से ये सवाल पूछते हुए दे रही हैं कि क्या इन दड़बों से मैं कभी बाहर भी निकल पाऊंगी। तो अब आप ही बताइए कि अंडा शाकाहारी है या मांसाहारी।